नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर शहर में तेज रफ्तार का कहर नहीं थम रहा। सुनारी में बच्चे को वैन ने मारी टक्कर। बिष्टुपुर में दो युवती सड़क दुर्घटना में घायल। छायानगर निवासी विनोद राम मानगोस पुल से नीचे गिरा। डॉक्टर ने किया मृत घोषित। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मानगो और धतकड़ी में जमीन विवाद में हुई जमकर मारपीट। मामले में 6 घायल, एमजीएम में भर्ती। और आगामी चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर से जुटी तैयारियों में। निर्मल गेस्ट हाउस में झामुमो जिला कार्य समिति की बैठक का किया गया आयोजन। खबरें विस्तार से। बिष्टुपुर स्थित जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी के समीप सड़क दुर्घटना में 2 छात्रा घायल हो गई। दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बिष्टुपुर स्थित जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी के समीप सड़क दुर्घटना में 2 छात्रा घायल हो गई। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने एक छात्रा को इलाज के लिए TMH एवं दूसरी छात्रा को इलाज के लिए MGM में भर्ती करवाया। कॉलेज गई थी। अच्छा, एडमिशन करा के वापस घर जा रहे हैं। कितने लोग थे एक बाइक में? तीन जन। तीन और दो कहाँ हैं? TMH में। वो लोग TMH में हैं सर? एक जन को नहीं लगा था। अच्छा, और एक जन को लगा। हाँ। ये कौन है आपकी? ये भतीजी। क्या नाम है? श्रुति। कहाँ रहते हैं आप? आदि। इधर सोनारी स्थित कागल नगर में खेलते हुए 5 वर्षीय बच्चे को स्कूली वैन ने टक्कर मार दी। इलाज के लिए बच्चे को MGM में भर्ती किया गया। सोनारी स्थित कागल नगर में स्कूली वैन से धक्का लगने से 5 वर्षीय बच्चा घायल हो गया। आनन फानन में बच्चे को इलाज के लिए MGM में भर्ती कराया गया। कौन है बच्चा आपका? मेरा नाती है। क्या हुआ? उसको खेलते खेलते उसको गाड़ी वाला मार दिया। कहाँ पर है? उसी दुकान बस्ती में, जहाँ पर सस्ता है ना वहीं पर। बच्चा खेल रहा था घर के पास? हाँ, घर के पास में, बगल में। चार रास्ते में बच्चा दौड़ के आ गया। अच्छा, फिर? फिर वही लगा, ब्रेक में तो हल्का लगा, चोट लग गया। कहाँ पे हुआ घटना? आदर्श नगर। आदर्श नगर। आदर्श नगर में। लाइसेंस वगैरह है ना तुम्हारा? कितना उम्र है तुम्हारा? 23 साल। 23 साल है। तुम खुद बच्चा को फिर साथ में लेकर आला? हाँ हाँ। क्या किए तुम फिर? हम बच्चा को बैठा हॉस्पिटल में। उधर सीताराम डेरा स्थित छायानगर निवासी विनोद राम मानगो पुल के नीचे गिरकर घायल हो गया। MGM में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सीताराम डेरा स्थित छायानगर निवासी 41 वर्षीय विनोद राम मानगो पुल के नीचे घायल अवस्था में मिला। परिजनों ने उसे इलाज के लिए MGM में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने इस मामले पर हत्या की आशंका जाहिर की है। हमको 3:30 बजे के लगभग सूचना मिला है, एक लड़का आके बोला था मेरे घर में कि आपका हस्बैंड पुलिया के नीचे पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ? पुलिया के नीचे, मानगो। हाँ, मानगो पुल के नीचे पड़ा हुआ। हाँ, तो हम लोग दौड़े दौड़े गए तो अपना हस्बैंड को गंभीर हालत में देखते हैं। अच्छा। तो फिर हम लोग टेम्पो रिजर्व किए, फिर अपना हस्बैंड को लौट करके हम बोले कि MGM लेकर के इलाज करवाएंगे। हाँ, फिर हम बोले उनको डांटे कि आपको ये हालत कौन किया, क्या हुआ, किसके साथ में घूम फिर रहे थे। तो सिर्फ सोनू का नाम धीरे से बताया और बाकी का नाम बताना चाहते थे लेकिन उनका मुंह बंद हो चुका था। सोनू नाम बताया? हाँ, सोनू नाम बताया था। सोनू मुखी। ये कौन है? ये सोनू मुखी मेरे घर के बगल में रहते हैं। अच्छा, उसी का साथ के बोले? हाँ, उसी का नाम मेरा हस्बैंड बताया है। वहीं धतकड़ी स्थित बी ब्लॉक में पारिवारिक विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। धतकड़ी स्थित बी ब्लॉक में पारिवारिक विवाद में 2 भाइयों के परिवार के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों ओर से 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए MGM में भर्ती करवाया गया है। मारपीट के मामले में बिष्टुपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया है। रोड से मारा है, रोड क्या जी वाला रोड? विवाद क्या है, कारण तक क्या है मारपीट? पानी का विषय है। पानी घर में जी? पानी एक ही घर में? सब एक ही घर में। पानी का विषय, एक ही कनेक्शन। आपका पानी नहीं आ रहा तो आप परेशान होइएगा, अपना अलग कनेक्शन टंकी से लीजिए। आप हमको क्यों ये कर रहे हैं? क्या नाम है जो मारा आपको? उसका नाम इम्तियाज अहमद, बशीरुन निशा और जैद अहमद। हाँ, मेरे जैद अहमद है। बड़े हो के बड़े जैसे नहीं, और कैरेक्टर लेस भी, उनका कैरेक्टर बिल्कुल सही नहीं है। कौन मारा आपकी वाइफ को? मेरा बड़ा भाई, उसकी वाइफ और उसका बेटा जो गुंडा है अभी। क्या नाम है बड़ा भाई का?
पप्पू इम्तियाज अहमद, पप्पू इम्तियाज अहमद उसका नाम है। अब बेटा कौन है? बेटा जैद खान है, जो अभी नया नया गुंडा बना है सर, पिस्टल उस्टल रखे रहता है वो अपने पास, वही मारा। हाँ वही मारा है, और मेरा बेटा को भी मारा है, इम्तियाज अहमद। इम्तियाज जी आपके ऊपर आरोप लगा है, आपने अपने छोटे भाई का वाइफ को मारकर घायल किया है रॉड से, क्या कहना चाह रहे, क्या विवाद है? विवाद ऐसा है कि हम लोग का घर में पानी नहीं देता है, पानी मांगने से लोग लड़ाई झगड़ा करता है, और इसका अगेंस्ट में हम लोग उसको वाइफ के ऊपर हम लोग कोर्ट में कागज़ दिए हैं, जो हम लोग को झूठा केस में फंसाती है उसका हम लोग कागज़ दिए हैं CGM में। अभी मेरा वाइफ को मारा है, मेरा वाइफ का चैन छीन लिया, शकील अहमद है, तस्लीम है, परवेज अहमद है, मेरा वाइफ का चैन छीना है, बदन आपने नोचन उची किया है, इंजर्ड है। आप लोग भी घायल हुए हैं सर, आपको कैसे लगा? हमको भी लगा, सर में लगा, हाथ में लगा, सर में लगा है, पूरा खूने खून है। कौन मारा आपको? हमको मारा है शकील अहमद, तस्लीम अहमद। कौन है ये लोग सब? ये सब दोनों मेरा भाई है, एक उसका साला है तस्लीम अहमद, शकील अहमद, परवेज अहमद, और हमने घर में घुस के मारा है मेरा वाइफ को, इज्जत से खिलवाड़। वाइफ को भी मारा आपको? वाइफ को मारा, वाइफ का पूरा कपड़ा फाड़ दिया। बेटा को भी हाथ में चोट लगा है, और जो कि अगेंस्ट में इसका हम लोग कोर्ट में पिटीशन दिए हुए हैं। आपका कौन है जो मारा है? देवर लोग मारा है, दादा लोग भी हटा दिए घर से, फिर भी गैर मारा आपको, पूरा फैमिली उन लोगों को नेगलेक्ट कर दिया है, दादा भी उसको नहीं पूछते, दादी भी नहीं पूछती है, ना ननद लोग पूछती है उसको, कोई नहीं पूछता उन लोगों को, लेकिन फिर भी जब जाते थे रिकॉर्डिंग सुने कितना गाली गंदा गंदा दिया, रोजा रखे और मानगो स्थित रोड नंबर 5 में जमीन विवाद में मारपीट हुई, मामले में एक घायल हो गया, घायल को इलाज के लिए MGM में भर्ती किया गया। मानगो स्थित रोड नंबर 5 में जमीन विवाद में आपसी पारिवारिक मारपीट के मामले में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए MGM में भर्ती करवाया गया है। विवाद है, इन लोगों को जो घर में जो हिस्सा मिला है, हिस्से में दो रूम नीचे खाली है, तो इन लोग क्या करा, खाली है तो बत्ती जलेगा, साफ सफाई होगा, तो इसी वजह का इन लोग रेंट में दे देता है, उन लोग बोलता नहीं रेंट में नहीं दिया जाएगा, उसी का विवाद लेके और इसको बीच एरी जो इसका कोई हक नहीं है, इसका चच्चा लोग बुला के मार खिलवाया। हाँ, इसका चच्चा लोग बुला के मार खिलवाया है। क्या नाम है चच्चा लोग का? चच्चा का नाम है एहसान और एक चच्चा का नाम है रिजवान, वही लोग करवाया, जो वही लोग करवाया है। इनका पापा? इनका पापा इरफान अली, जो टेल्को एम्प्लॉय टेल्को में काम करते हैं, अभी जो की सर्विस करते, सब सीधा फैमिली है इन लोग, और इन लोग सब चच्चा लोग बुला के, अगर घर का विवाद था, कुछ मामला था, तो बुला के एक जगह बैठ के बात किया जाता। और आगामी चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। जमशेदपुर के निर्मल गेस्ट हाउस में बुधवार को झामुमो जिला कार्य समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जहां कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में जिला अध्यक्ष सह विधायक रामदास सोरेन, विधायक संजीव सरदार, केंद्रीय कमेटी के तमाम नेतागण एवं जिला कमेटी के नेतागण मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्य रूप से बूथ और प्रखंड स्तर पर पार्टी को और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई। बूथ एवं प्रखंड स्तर पर आगामी दिनों में कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में झामुमो ने पूर्वी सिंहभूम सीट पर दावेदारी भी की है। विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि इस लोकसभा सीट पर झामुमो के ज्यादा विधायक है, फलस्वरूप इस लोकसभा सीट से झामुमो के उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में 2 प्रखंड को हम लोग प्रस्तावित किए हैं, जिससे पूर्ण रूप से पंचायत स्तर का गठन हो चुका है, सदस्यता भी बन चुका है, वो है हमारे डुमरिया और दरभंगा, और इन लोग को 15 दिनों तक का काम दिया गया है, 15 दिनों के अंदर आपके प्रखंड के आपके पंचायत में सरकार की योजना किस रंग से, कितने पंचायत स्तर में कितने लोग लाभान्वित हुए, जैसे 97% एक पंचायत में कितने लोग किसी को लाभ मिला, पशुधन की बात है, एक पंचायत में कितने पशुधन को मिला, जिसमें यहाँ पर सरकारी जो योजनाएं हैं, फूलों झरना योजना से कितने लोगों को लाभान्वित है, प्रत्येक पंचायत का डाटा बनाने के लिए फॉर्म दिया गया है, ये जो फॉर्म है देख रहे हैं, और इसको पूरे गांव-गांव में जाकर के भरेंगे, उसके बाद 15 दिनों के बाद इस प्रखंड में डुमरिया और ये में गुड़ाबंदा में दोलहुंगा में दोनों प्रखंड का प्रशिक्षण शिविर होगा, और इसका ट्रेनिंग ब्लॉक पदाधिकार का ट्रेनिंग 7 तारीख को घरसिला में हम करेंगे। वहीं MGM अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक के भवन का छज्जा गिर गया, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। MGM अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक के भवन का छज्जा गिर गया, इस घटना से
किसी को हताहत की सूचना नहीं है। यहाँ पे अचानक हम बाइक लगा के ड्यूटी अंदर रूम में थे, यहाँ पे छज्जा गिर गया अचानक से, पानी लीकेज कर, मतलब लीकेज पहले से ही है लेकिन अचानक छज्जा गिर गया और मेरा गाड़ी के डैमेज हो गया। पुराना है काफ़ी? हाँ हाँ, ये बिल्डिंग काफ़ी पुराना है और ये शायद मतलब टूटने भी वाला है शायद कुछ दिन बाद। उसके बाद ब्लड बैंक का ये है छज्जा ना? हाँ हाँ, ये ब्लड बैंक का छज्जा। किसी को चोट वोट तो नहीं आया ना? किसी को चोट नहीं आया, बस गाड़ी डैमेज हुआ है, गाड़ी के ऊपर गिरा। तो गिरा है उसमें कि गाड़ी जो यहाँ ब्लड बैंक में कर्मचारी काम करते हैं उनकी गाड़ी डैमेज हुआ है। तो हम लोग आए हैं, देखे हैं, यहाँ का बहुत जर्जर स्थिति है, ऊपर पानी पूरा जमा हुआ है। कभी भी इससे जो है आने जाने में ऐसा प्रतीत होता है कि वो छज्जा कभी भी किसी के ऊपर गिर सकता है। इधर जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के सोनारी स्थित राजस्थान मैत्री संघ द्वारा संचालित RMS हाई स्कूल बालीचेला को CISC बोर्ड से मान्यता मिलने के शुभ अवसर पर RMS और स्कूल द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। सोनारी खूंटादी में मदन मोहन गीता देवी अग्रवाला सभागृह में किया गया, जहां शहर के जाने माने विद्यालयों के प्रिंसिपल मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं विद्यालय के बच्चों के द्वारा रंग बिरंगे कपड़ों में नृत्य भी पेश किए गए। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष RK झुनझुनवाला, सचिव संजय केडिया, प्रिंसिपल प्रतिमा सिन्हा, संस्था के ट्रस्टी रमेश अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं एवं संस्था के कार्यकारिणी के अन्य सदस्य सांवरलाल शर्मा, शंकरलाल, VGD कांटिया आदि उपस्थित रहे। सभी ने विद्यालय की उपलब्धि पर बधाई दी और भविष्य में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। धन्यवाद ज्ञापन संजय केडिया द्वारा किया गया। आज का कार्यक्रम जो प्रोग्राम हम लोगों के लिए हुआ, ये तो हमारे इतिहास में RMS हाई स्कूल बालीचेला के इतिहास का स्वर्णिम क्षण है। जबकि RMS बालीचेला स्कूल ICSE बोर्ड से एफिलिएटेड हुआ है, ये बहुत निरंतर अथक परिश्रम का परिणाम है। स्कूल जैसा कि शुरू में हिंदी मीडियम था, चैलेंजेस बहुत थे, कठिनाइयाँ बहुत थी, लेकिन मैनेजमेंट बहुत ही प्रोग्रेसिव सपोर्टिव मैनेजमेंट के साथ और हमारी टीम ऑफ टीचर्स के साथ मिलकर हम लोग इस अपने सपने को सच कर पाए हैं। ये आज उसी समारोह का संचालन हुआ है। वहीं प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष गुंजन सिंह बुधवार को जमशेदपुर पहुंची, जहां महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नलिनी सिन्हान के अगुवाई में पार्टी के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बता दें कि मिशन 2024 को लेकर हर राजनीतिक पार्टी अपने सभी इकाइयों को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस भी महिला शक्ति को संगठित करने में जुटी है। विगत दिनों पूरे प्रदेश के सभी जिलों में महिला कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों को भी दायित्व सौंपा गया। जमशेदपुर पहुंची महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में उनका दौरा चल रहा है और इसी कड़ी में वे जमशेदपुर पहुंची है। यहां महिलाओं कांग्रेसियों के साथ वे आगामी चुनाव को लेकर बैठक करेंगी। साथ ही महिला कांग्रेस को कैसे और मजबूत बनाया जाए इस पर वो चर्चा करेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आधी आबादी यानी महिलाओं का भरपूर सम्मान करती है और इसी कारण आज पार्टी में कई महिला विधायक है, साथ ही एक महिला सांसद भी है। आगामी चुनाव में एक बार फिर महिला कांग्रेस अपनी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और जीत हासिल कर खुद को साबित भी करेगी। खासकर महिला सम्मान की लड़ाई महिला कांग्रेस लड़ रही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आम महिलाओं की बात छोड़े, जो हमारी देश की गौरव, हमारी पहलवान बहनें हैं, उनके साथ किस तरह का केंद्र सरकार दुर्व्यवहार करती है, जंतर मंतर के उन्हें घसीटा जाता है, मारा जाता है। तो ये उद्देश्य लेके मैं निकली हूँ। जहाँ हमारी जिला या प्रखंड कार्यकारिणी नहीं बने हैं, मैं उन्हें एक सप्ताह का टाइम दी हूँ कि आप करके मुझे दो, और अगर नहीं कर पाती हैं तो कहीं ना कहीं बदलाव आगे भी होंगे। लेकिन हम लोग बूथ स्तर तक मजबूती के लिए, अभी मेरा ये जो फर्स्ट दौरा है ये जिला कार्यकारिणी और प्रखंड कार्यकारिणी के लिए चला है। मेरी बहन नलिनी जी पर मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ कोल्हान की धरती पर भी लोकसभा विधानसभा का बिगुल हम लोग। वक्त चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल
यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, टिग एंड आर्क वेल्डिंग, हाई प्रेशर एक्सरे क्वालिटी 6G पोजीशन, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, मोबाइल क्रेन JCB एक्सकवेटर टावर क्रेन ग्रेडर ऑपरेटर, HVAC एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन। ये दावा नहीं वादा है, हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। स्ट्रेट आलिया वाला स्ट्रेट है, BFF की शादी वाला है, रेडी फॉर द अवार्ड है, डांडिया विद फ्रेंड्स वाला है, केयर फ्री बट केयर से भरपूर है। फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनर एक्टिवली केयर्स फॉर योर हेयर एंड गिव्स यू सैलो लाइक स्ट्रेट स्मूथ एंड शाइनी है। योर हेयर योर वे फिलिप्स। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मानगो में पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जबकि राज्य सरकार द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा है। वैसे 3 साल पहले पानी टंकी का निर्माण शुरू हुआ, अभी तक अधूरा है। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मानगो मंडल ने आज पानी टंकी का दौरा कर कार्यों को जाना और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पूरे पानी टंकी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, ये भी आरोप ठेकेदार पर लगाया। वैसे ठेकेदार के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला के उपायुक्त को पत्र लिखकर ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग की है। इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है, टंकी बन रहा है लेकिन अभी से टूटने लगा है, ऐसे में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और हम लोगों ने भी ये देखा कि सही मायने में जो काम बहुत निचले स्तर का हो रहा है, यहाँ का प्लास्टर के पहले यहाँ हम लोग देख रहे हैं कंक्रीट सब झड़ जा रहा है, ये बहुत ही अनियमितता यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग जो भी ठेकेदार संबंधित विभाग के जो लोग है ठेकेदार है, चेतावनी हम लोग देना चाहते हैं, अगर इस तरह का कार्यक्रम चला क्रियाकलाप चला तो निश्चित रूप से हम लोग पानी टंकी को बंद करना पड़ेगा, काम को बंद करना पड़ेगा और जांच के लिए हम लोग भेजेंगे इसको। इधर जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से हो रहे रुक रुक कर बारिश से एक और जहां लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ जल जमाव की समस्या से शहरवासी परेशान हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है स्थानीय निकाय एवं प्रशासन ने बरसात से पूर्व होमवर्क नहीं किया, नतीजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसका नमूना गुलमोरी थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां गाड़ाभासा के समीप मेन रोड से होकर बह रहे नाले में पानी भरने से हुए कटाव की वजह से नाले से सटे घरों का दीवार ढह गया, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी इंसान की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। वैसे लोगों के घरों में रखा सामान क्षतिग्रस्त हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार इस समस्या से जिसको प्रशासन को अवगत कराया गया, बावजूद इसके जिसको प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई। फिलहाल स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। वैसे बारिश अभी भी रुक रुक कर हो रही है, जिससे लोगों की समस्या और भी बढ़ गई है। फटा है ना आपका नाला? नाला और भी फट चुका है, उधर भी फटा हुआ है, दो तीन जगह। कंपनी वाला कोई आता ही नहीं, सुनवाई करता ही नहीं है। कंपनी वाला को जाके बोल के आया है कि सर ऐसे नाला फट गया है, आप इसको ढलाई करवा दीजिए बढ़िया से और अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी तक कंपनी वाला कोई अभी तक ना जान माल, या अगर आदमी कोई मर जाता है, अगर गिर जाता तो उसमें बहुत दिक्कत होता नहीं समझ सर, इसलिए बहुत इसको जल्दी इसको काम करवाने के लिए। यहाँ सर ये नाला साल भर पहले धंसा हुआ था, जिसको हम लोग कंप्लेंट किए थे, किसको कंपनी आया खाली घिराव करके चल गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। अभी बारिश जो कुछ दिन से बारिश हो रहा लगातार, उस बारिश की वजह से नाला पूरा धंस गया है। अगल बगल फैमिली सब रहता है, घर द्वार उसका घर देखिए दीवार देखिए दीवार पूरा टूट के गिर चुका है। मेरा भी डेंजर व्यू में मेरा भी दुकान है, अगर कुछ दिन और बारिश हुआ तो मेरा भी दुकान नाला में बह सकता है। वही जमशेदपुर के परसोडी मकदमपुर मुंशी मोहल्ले की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। क्षेत्र में स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि गाय के 2 बछड़ों ने पानी में डूबे रहने की वजह से दम तोड़ दिया।
बारिश का मौसम आते ही ये क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। नाली का पानी घरों में घुस जाता है, लोगों के घर के सामान तो बर्बाद होते ही है, पालतू मवेशियों पर भी खतरा मंडराने लगता है। इतना ही नहीं, पिछले कई वर्षों से इस स्थिति की वजह से क्षेत्र के कई लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। पिछले 5 दिनों से पूरे क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, जनप्रतिनिधि आ रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं। हालांकि रेल प्रबंधन ने विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द नाले की साफ सफाई की जाएगी और ड्रेनेज सिस्टम को सुचारू किया जाएगा ताकि पानी की निकासी हो सके। अब तक धरातल पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। इस नाले के पानी में मवेशियों के डूबे रहने से गाय के 2 बछड़ों की आज दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी देते हुए वार्ड सदस्य रीतिका श्रीवास्तव ने बताया कि जल निकासी का रास्ता रेलवे की जमीन पर है, रेल प्रबंधन की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि समय समय पर उसे साफ सफाई करवाई जाए ताकि स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने बताया पिछले कई वर्षों से ये समस्या जस की तस बरकरार है, पर किसी जनप्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं। जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं उतर रहा दिख रहा। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में संकट के बादल छाए हुए हैं, लोग अपने दिनचर्या का कार्य नहीं कर सकते हैं, बीमारी का खतरा बढ़ता जा रहा है, मवेशियों की मौत हो रही है, ऐसे में स्थानीय लोग जाएं तो कहां जाएं? अभी 7-8 दिन का बात नहीं है, करीब 12 सालों से लगातार हर मानसून में यही स्थिति होती है। घर को छोड़ कर के लोगों को बाहर रहना पड़ता है, रात भर लोग सो नहीं पाते हैं क्योंकि पानी सभी जगह भर गया है, तो रात को सोने में भी सुनिश्चित ही नहीं मिलती है क्योंकि सांप बिच्छू का भी डर है। अब देखिए, आपने कवरेज किया होगा, 2 गाय आज मर गई है, बहुत दुख हुआ इस चीज़ को देख करके। और पानी की स्थिति ऐसा है, ना खाना बना पा रहे हैं ना खा पा रहे हैं। मुखिया को सूचना दी जाती है, मुखिया ऊपर पार्षद से बात करते हैं, पार्षद आगे जा करके सांसद और अपने जो जनप्रतिनिधि है मंगल कालिंदी जी, उनसे भी बात हुई, वो भी आए, निरीक्षण किए हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है अगर नहीं हो पाएगा तो वो अपने निजी खर्च से इन मामला जो है ये इसको साफ कराएंगे, क्योंकि नाला भरने का ही मेन दिक्कत है। यहाँ नाला जो है भर जा रहा है, डंपिंग लोगों को लगता है कि अपने घर से कचरा फेंक दिया बस काम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग नाले के बगल में रह रहे हैं उनका क्या स्थिति है वो अपने घर से शायद देख नहीं पा रहे हैं। इधर जमशेदपुर के प्रखर समाज सेवी रहे स्वर्गीय के सिंह के जयंती के मौके पर के एजुकेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन रेड क्रॉस भवन में किया गया। हर वर्ष ट्रस्ट के द्वारा इस रक्तदान शिविर का आयोजन कर स्वर्गीय के सिंह को श्रद्धांजलि दी जाती है। बड़ी संख्या में इस दौरान रक्तदाता यहां पहुंचकर रक्तदान करते नजर आए। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं जिले के सांसद विद्युत वरण महतो पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम रक्तदाताओं के प्रति आभार प्रकट किया, साथ ही सभी का हौसला बढ़ाया। ट्रस्ट के संस्थापक विकास सिंह ने कहा कि आज के इस पुण्य दिन पर मानव सेवा कर मनाया जाता है। सौभाग्य से मैं इस कार्यक्रम का संयोजन करने का मुझे मिलता है, बहुत मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं इस पुण्य कार्य में भाग लेता हूँ। बहुत सारे लोग गांव देहातों से और बहुत जगहों से लोग आते हैं। कितना लक्ष्य रहता है विकास जी? लक्ष्य देखिए, इस बार हम लोगों ने मतलब चूँकि अभी लगातार हम लोगों का ब्लड डोनेशन कैंप सब चलता आ रहा है रेड क्रॉस का, लक्ष्य हम लोगों ने वैसा कुछ नहीं रखा है, लेकिन उम्मीद है कि 125 से 150 करीब। उधर आषाढ़ी मास में हरियाली पूजा के उपलक्ष पर आदित्यपुर NIT परिसर स्थित पर्यावरण मैदान में आदित्यपुर रजक समाज के कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां गाजे बाजे के साथ लोगों ने हरियाली पर्व मनाते हुए पौधारोपण किया। रजक समाज द्वारा आषाढ़ी हरियाली पूजा के मौके पर बलि प्रथा को बढ़ावा दिया जाता था, अब नदियों की पूजा के बाद पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के संदेश को दिया जाता है। इसी कड़ी में बुधवार को आयोजित आषाढ़ी पूजा के उपलक्ष्य पर रजक समाज के लोगों द्वारा खरकई नदी किनारे पूजा अर्चना करने के बाद NIT पर्यावरण मैदान में 25 फलदार एवं छायादार वृक्ष के पौधे लगाए गए। इस मौके पर यहां लोगों के बीच भोजन आदि का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए समाज से जुड़ी श्वेता राज ने बताया कि समाज के लोगों को पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर समाज सेवी शारदा देवी, दुर्गा चरण बैठा, अशोक कुमार, सत्य प्रकाश, राजीव कुमार के अलावा बड़ी संख्या में समाज से जुड़ी महिला और पुरुष मौजूद रहे। पहले हरिहर पूजा का ये प्रथा था कि यहाँ पे बलि चढ़ती थी, उस प्रथा को हम लोगों ने के अवज में हम लोगों ने आज पेड़ लगाने की प्रथा
हर साल हम लोग लास्ट ईयर भी किए उससे लास्ट ईयर भी किए हम लोग हर साल यही करते हैं और आगे लोगों को प्रमोट करते हैं, जितने लोग मिल जाए हम लोग को उतने लोगों को प्रमोट करके हम लोग हर फंक्शंस पे, चाहे एक छोटे से छोटे फंक्शंस करें हम लोग, उसमें सब में हम लोग पेड़ लगाना अनिवार्य कर दिए हैं। अब हम लोग सब सारे फंक्शन को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए आज 25 पेड़ लगाए हैं और अभी हम लोग को और पेड़ लगाना है, आज के ही दिन हम लोग बहुत पेड़ लगाने वाले हैं। और सरायकेला सहित देश के संसद तक में गूंजी तबरेज अंसारी के मौत के मामले पर एडीजे वन अमित शेखर की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें मामले में दो आरोपी सत्यनारायण नायक और सुमंत महतो को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मामले से रिहा किया गया, जबकि आकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीमसेन मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और सुनामो प्रधान पर आरोप सिद्ध होते हुए फैसला को न्यायालय द्वारा सुरक्षित रखा गया, जिसमें सजा के बिंदुओं पर को न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए सजा सुनाए जाने की बात कही गई। बताते चले कि सरायकेला थाना अंतर्गत थक्करी गांव में 18 जून 2019 को इस घर में चोरी की नियत से घुसे तबरेज अंसारी की पिटाई भीड़ द्वारा की गई थी, जिसके बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहां से तबरेज अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिसके बाद सरायकेला मंडल कारा में उसकी तबीयत बिगड़ी और सरायकेला सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में इलाज के दौरान तबरेज अंसारी की मौत हो गई। मामले को लेकर उस समय इसे मॉब लिंचिंग के रूप में प्रचारित करने का प्रयास भी किया गया। इस संबंध में मृतक तबरेज अंसारी की पत्नी शायस्ता परवीन की शिकायत पर मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस अनुसंधान के क्रम में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मामले में एक आरोपी कुशल महाली का निधन हो चुका है। जिसमें दो आदमी को रिहाई दिया गया और 10 को सजा हुआ है, 304 में, 341 में, 323 में, 325 में, 295 ए में, 149 के साथ और सजा के बिंदु पर 5 जुलाई का डेट निश्चित किया गया। वक्त तो चला है अब एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में, हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे, साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें, हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिश्तीपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 0657-23-20075। जमशेदपुर में खुला पहला लखनवी चिकनकारी सूट का एक्सक्लूसिव शोरूम। चिकन की कला अब लखनऊ शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह लखनऊ से निकलकर आपके शहर जमशेदपुर भी पहुंच चुका है। जी हाँ, जमशेदपुर के रोड नंबर 14 जवाहर नगर में खुला है शहर जमशेदपुर का पहला चिकनकारी एक्सक्लूसिव शोरूम गुलमोहर फैशन। गुलमोहर फैशन में आपको मिलेगा लखनवी चिकन एवं चिकनकारी का पूरा रेंज, वो भी एक ही शोरूम में। तो अगर आप भी चिकनकारी के शौकीन हैं तो आज ही जाएं रोड नंबर 14 गुलमोहर फैशन में।
ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कदमा में पागल कुत्ते ने सांड को काट लिया, कई बच्चों को भी काट कर घायल किया है। जमशेदपुर कदमा शास्त्री नगर में एक पागल कुत्ते ने सांड के जबड़े को काट लिया। इसके अलावा क्षेत्र के कई बच्चों को भी कुत्ते ने काटा है। इसकी जानकारी मिलने पर जन सेवा संघ ट्रस्ट के रेस्क्यू टीम ने सांड को बांध कर इसका इलाज किया और एंटी रेबीज का वैक्सीन दिया। वहीं टीम सांड पर नजर बनाए रखे है ताकि सांड पर रेबीज इंजेक्शन की बीमारी न फैले। आपको बता दें, कुछ दिन पहले इसी तरह की घटना साक्षी बाजार के शीतला मंदिर के पास की थी, जिसमें सांड में रेबीज बीमारी से ग्रसित था और उसने दो लोगों को पटक पटक कर मार दिया। अगर सही समय पर टीम पहुंचकर रेबीज इंजेक्शन नहीं देती तो शायद सांड पागल हो जाता और कई लोगों की जान ले सकता था। इसको अभी थोड़ी देर पहले एक डॉग जो कि पागल हो गया है, यहाँ के कुछ बच्चों को भी डॉग बाइट किया है, तो अभी इस नंदी को भी पूरा मुंह में पकड़ के जबड़ा से लटक गया था इनके मुंह में, तो इनके मुंह में भी चोट आया हुआ है। तो अभी हमारी टीम यहाँ पहुंची हुई है और इनको हमने एंटी रेबीज का इंजेक्शन और भी पेन किलर एंटीबायोटिक सब दिए हैं और इसका कंटिन्यू हम लोग पूरा रेबीज का डोज देंगे। अगर हम लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो कल कोई पागल होता और बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाता। आप लोग देखे ही होंगे, साक्षी में भी एक हादसा हुआ था। और वही जमशेदपुर के सांसद पहुंचे सीजीपीसी कार्यालय, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से मुलाकात की, पीएम की उपलब्धियों की पुस्तिका देकर समर्थन प्राप्त किया। वैश्विक पहचान बना चुके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरा होने पर संपर्क से समर्थन अभियान चलाया गया। इस दौरान जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने बुधवार को सीजीपीसी कार्यालय में पहुंचकर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार भगवान सिंह से आत्मीय मुलाकात कर उन्हें 9 सालों में मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की, साथ ही मोदी की उपलब्धियों की पुस्तिका देकर समर्थन प्राप्त किया। इधर जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्र जंगली कुत्तों के आतंक से परेशान है, वहीं चलते फिरते लोगों पर हमला कर रहे हैं कुत्ते। बताया जा रहा है कि दर्जनों जंगली कुत्ते झुंड बनाकर निकलते हैं और चलते फिरते लोगों को आक्रमण कर काट देते हैं, जिससे लोगों में डर का भय बना हुआ है। स्थानीय व्यक्ति अजहर ने कहा कि झुंड बनाकर कुत्ते आते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं, जिससे लोग कुत्तों के आतंक से काफी परेशान हैं। परसुडी हुआ, करंडी हुआ, सुंदर नगर हुआ, खास महल की ताड़ी, ऐसे क्षेत्रों में कुत्ते लोग अपना झुंड बना के घूम रहे हैं और जो अकेले जाते रहते हैं, बच्चे हुए, खासकर बच्चों को या बड़ों को अकेला देख के झपट्टा मारता है और इसमें बहुत कुछ घायल भी हुए हैं। कोल्हान के पूर्व डीआईजी सह भाजपा नेता राजीव रंजन सिंह सोनारी पंचवटी नगर के आंगनबाड़ी केंद्र का भ्रमण किए और बच्चों के बीच चॉकलेट वितरण किया। सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले पोषण आहार योजना की गुणवत्ता को स्वयं खाकर देखा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि छोटे बच्चों को रोजाना अंडा मिलना चाहिए, जो बंद हो चुका है। वहीं स्थानीय लोगों की भी उनकी समस्याओं को सुना। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर शहर में तेज रफ्तार का कहर नहीं थम रहा। सुनारी में बच्चे को वैन ने मारी टक्कर। बिष्टुपुर में 2 युवती सड़क दुर्घटना में घायल। छायानगर निवासी विनोद राम मानगोस पुल से नीचे गिरा, डॉक्टर ने किया मृत घोषित, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मानगो और धतकड़ी में जमीन विवाद में हुई जमकर मारपीट, मामले में 6 घायल, एमजीएम में भर्ती। और आगामी चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर से जुटी तैयारियों में। निर्मल गेस्ट हाउस में झामुमो जिला कार्य समिति की बैठक का किया गया आयोजन। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।